कह रहे नासा वालों को मंगल ग्रह ढूंढने में जो भी टाइम लगा ना वो हम पंडितों की वजह से लगा। जितने वो जहाज लेके मंगल ग्रह पे जाते इतना हम गंगा किनारे किसी से 51 रुपए लेके मंगल की दिशाएं बदल जा करते थे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे यहाँ पे कोई साधन नहीं होते मनोरंजन के, तो हम गाँव वाले ना मेलों में जाते हैं। अब सोचो अगर ऐसा हो कुछ बॉलीवुड के कलाकार ना मेलों में अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए, नाना पाटेकर साहब ने मौत का कुआं खोला हुआ है। अच्छा चल मौत का कुआं देख, नादान है जज्बाती हो गया है, चल मौत का कुआं ले, मौत का कुआं देख, ये ले 10 रुपए। सबको पकड़ पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ा दिया। वहां से लोग चिल्ला रहे, अरे कौन है यार, तो कोई है नहीं, कहां देखे मौत का कुआं। चुप कर बे, पहले बाहर में टिकट बेचता हूँ, उसके बाद अंदर जाके मैं ही मोटरसाइकिल चलाता हूँ। उसके बाद में राजपाल यादव साहब कहीं पे ना हाइट बढ़ाने वाला चूरण बेच रहे हैं। अरे ले लो चूरण बारम खीरा, अरे जो आपके पेट को बना देगा हीरा। अरे ले लो चूरण बारम खीरा, इसे खाने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। एक आया कोई चुलबुला से गांव में, कह रहा इससे हाइट कैसे बढ़ जाएगी, तू तो खुद 4 फीट का, तू कैसे बेच रहा है इसे। अरे कई बार चूरण ना खाने के नुकसान भी तो दिखाने पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे चल, वहां पर राजकुमार साहब ना टैटू बनाने वाली मशीन लेके घूम रहे हैं। जानी टैटू बनवा लो, जानी टैटू बनवा लो। एक आया कोई चुलबुला सा, कह रहा हम बनाएंगे टैटू, यहाँ पे लिख दो हाथ पे सीला। ये लो जानी। 2 घंटे बाद ये फिर वापस आया, क्या कर दिया ये, हमने कही थी शीला लिख दो, आपने इस पे लिख दिया जानी। हमने तो पहले ही कहा था जानी टैटू बनवा लो। थोड़ा आगे चले तो इरफान खान साहब ना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसी का बच्चा खो गया। अबे बेटा एक बात लिख लो, एक बात लिख लो, बत्ती बना के दिमाग में डाल लो कि यहाँ पे किसी का बच्चा खोया है, छोटा बच्चा, छोटी हाइट है उसकी, लेकिन बच्चा सुरीला भाई। एक बच्चा बार बार छेड़ रहा है। अबे कौन हो बे? मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। अबे कैलाश खैर। अबे झूला झूलने के चक्कर में यहाँ पे बच्चे बनके घूम रहे हो बे, जाओ अनुज के पैर पकड़ो जाके बे, कुछ काम मिल जाएगा कॉमेडी शो में। और मैं सब यूपी वालों की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ पाने का जुनून हमारे अंदर बड़ा गंदा है, किस्मत की परवाह नहीं हमें, सामने हमारे वो शर्मिंदा है, और चट्टानों को तोड़कर ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी हम। वो आग पहले भी जिंदा थी और वो आग आज भी जिंदा है। क्या बात है,